आगे बढ़ते इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति घोटाला है पूरा मामला है, जिसमें सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। राव रेवेन्यू कोर्ट ने 15 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। जैसे कि हमारे सहयोगी सुमित अभी जानकारी भी दे रहे थे कि उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाएगी, क्योंकि राव रेवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया। और ऐसे में अब देखिए खबर ये मिल रही है कि जो न्यायिक हिरासत है उसको 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, अभी थोड़ी देर पहले हम इस बात का जिक्र कर रहे थे और आप ये कह भी रहे थे कि एक बार फिर से उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ेगी, 15 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत को मनीष सिसोदिया की बढ़ा दी गई है। देखिए, सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी न्यायिक हिरासत राहुल रेवेन्यू कोर्ट ने 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। चूंकि मनीष सिसोदिया को किसी भी तरह की राहत जो है वो किसी भी अदालत से नहीं मिल पाई है, यानी कि जमानत जो है वो राहुल रेवेन्यू कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नहीं मिल पाई है, इस लिहाज से हर आरोपी को जो है वो उसकी न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया जाता है। उसी के तहत आज मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट में पेश किया गया था, फिजिकली तौर पर पेश किया गया था। अमूमन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होती है, लेकिन आज मनीष सिसोदिया को सीबीआई की टीम ने व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद राव रेवेन्यू कोर्ट ने 15 जुलाई तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है, खासकर सीबीआई केस में, क्योंकि इस पूरे मामले में जब तक उन्हें जमानत नहीं मिलेगी तब तक उनकी न्यायिक हिरासत इसी तरह से बढ़ती जाएगी। 15 जुलाई को एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर उससे पहले उनको जमानत मिल जाएगी तो उनकी रिहाई संभव हो पाएगी, लेकिन अगर उन्हें जमानत नहीं मिल पाती है प्रीति, तो फिर दोबारा उन्हें 15 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां फिर उनकी आगे न्यायिक हिरासत इसी तरह से बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल फौरी तौर पर जो राहत है वो मनीष सिसोदिया को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उन्हें अब तक जमानत जो है इस केस में नहीं मिल पाई है। सुमित, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि फौरी तौर पर अगर बात करें तो राहत तो मनीष सिसोदिया को नहीं मिल रही है। 15 जुलाई को एक बार फिर से, क्योंकि जाहिर सी बातें सुनवाई होगी, न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ाई गई है, लेकिन क्या कोई विकल्प भी अब मनीष सिसोदिया के पास फिलहाल नहीं है? सुमित, मनीष सिसोदिया के पास विकल्प वही है कि दोनों जांच एजेंसी जो है वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, वो जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर लेती है, यानी कि जांच कंप्लीट नहीं कर लेती है, तब तक वो जमानत याचिका नहीं दायर कर सकते हैं। क्योंकि वैकेशन में जब मनीष सिसोदिया ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, तब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत का निपटारा करते हुए कहा था कि जब तक दोनों जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में फाइनल चार्जशीट दाखिल नहीं कर देती हैं, तब तक मनीष सिसोदिया जमानत याचिका नहीं दायर करेंगे, यानी कि दोबारा जमानत याचिका तब दायर करेंगे जब दोनों जांच एजेंसी जो है वो फाइनल चार्जशीट दाखिल कर देंगी। क्योंकि दोनों जांच एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो इस पूरे मामले में चार्जशीट जो है, अंतिम चार्जशीट जो है वो जुलाई के पहले हफ्ते में दाखिल कर देंगे, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत का निपटारा कर दिया था। तो अब इंतजार करना होगा मनीष सिसोदिया को कि दोनों जांच एजेंसियां कब अपनी जांच कंप्लीट करके फाइनल चार्जशीट राहुल रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल करती हैं, उसके बाद ही मनीष सिसोदिया जो है वो जमानत याचिका फिर से लगा सकते हैं। हालांकि 8 जुलाई यानी कि सोमवार से सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन की जो छुट्टी है वो खत्म हो रही है, सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई से खुल रहा है, तो हो सकता है एक बार फिर से मनीष सिसोदिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाएं और मांग करें कि जब पहले हफ्ते में जब सीबीआई और ईडी ने जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने को कहा था, लेकिन अब तक उन्होंने चार्जशीट दाखिल नहीं किया है, अंतिम चार्जशीट दाखिल नहीं किया है, ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए, तो हो सकता है कि 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है उसमें मनीष सिसोदिया एक बार फिर से जमानत के लिए गुहार लगाए। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक के लिए मनीष सिसोदिया की बढ़ा दी गई।